साथियों, मैं डॉक्टर रविकांत निरंकारी, एमडी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज बहुत ही यूनिक टॉपिक है, बहुत ही अलग हट करके हम आज बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनकी देख रेख में, उनकी परवरिश में, देखभाल में एक पिता किस तरह से अपना सहयोग दे सकता है। बहुत ही कम डिस्कस ये टॉपिक होता है और अक्सर ये समझा जाता है कि छोटे बच्चों की सारी जिम्मेदारी, उनको पालना पोसना, देखना भालना सब लेडीज़ की जिम्मेदारी है, बच्चे की माँ या घर की जो औरतें उन्हीं की जिम्मेदारी है। देखिए, वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो ज़रूरत है कि जो घर के जो जेंट्स हैं, जो या फिर डायरेक्टली हम बोले तो बच्चे के जो पापा हैं, जो फादर है, उसको भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि बच्चे की देख रेख में उनका भी उतना ही योगदान ज़रूरी है, उनका भी उतना ही टाइम देना ज़रूरी है जितना माँ का। तो क्या क्या योगदान दे सकते हैं और मदर की कैसे हेल्प कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर ज़्यादा लंबा वीडियो जाता है तो उसका सेकंड पार्ट हम बना देंगे। बहुत ही स्पेशल चीज़ें मैं इस वीडियो में निकाल करके लाया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है सारी लेडीज़ की, जो न्यू मदर्स हैं उनकी, और जो अभी अभी नए नए पापा बने हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो न्यू पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो जो फादर हैं, जो होने वाले फादर हैं, उनको प्रिपरेशन में पूरा अपना सहयोग देना चाहिए। जैसे मदर है, वो बच्चे के वेलकम के लिए तैयारी शुरू कर देती है, उसको ये कपड़े चाहिए, ये तौलिया चाहिएगा, या इस तरह का एनवायरनमेंट में हमें रखना है, या रूम का एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे। तो जो फादर है उनको भी एक्टिवली उसमें सपोर्ट करना चाहिए और एक्टिवली उसमें हेल्प भी करनी चाहिए इन सारी प्रिपरेशन में। तो कहीं ना कहीं मदर को जो है इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है और एक हेल्पिंग हैंड उनको जो मिलता है, वो बॉन्डिंग भी आपकी अच्छी बनाता है। और ये बेबी के वेलकम के लिए भी अच्छा होता है कि माता पिता दोनों ही मिल करके उस चीज़ की तैयारी करें। बाकी घर के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको तो करना ही है सारी हेल्प, और करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो फादर हैं उनको स्पेशली इसमें इंटरेस्ट भी लेना चाहिए और हेल्प भी करनी चाहिए। मदर के खाने पीने की बात हो, चाहे डाइट की बात हो, या फिर उनके क्लोथिंग्स की बात हो, तो बहुत सारी चीज़ों में जो है ये फादर की जिम्मेदारी हो जाती है कि इन चीज़ों का वो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखें जब मदर जो है ज़्यादा एक्टिव होकर के वो सारे काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर आपकी बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चे के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जो फादर हैं, सबसे पहले तो उनको अपनी हेजिटेशन बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट टाइम फादर जो बन रहे हैं या जो पहली बार मम्मी बन रही हैं, तो वो सबके लिए एक नया अनुभव होता है बच्चे को गोद में लेना, खिलाना और बाकी चीज़ों का ध्यान रखना। तो कोई पहले से किसी को ट्रेनिंग तो मिली नहीं होती है, तो धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों को सीखते हैं कि कैसे बच्चे की देख रेख करनी है। तो हिचकिचाए ना, जो घर के बड़े हैं उनकी सलाह भी लें, उनको भी माने, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा मदर की बातों को ही देना चाहिए कि अगर माँ, बच्चे की माँ कुछ बोल रही है तो डेफिनेटली वो बच्चे के लिए सही ही बोल रही होगी। तो हमेशा उसको थोड़ा प्रीफर करके ही हमें चलना होता है। और योगदान की जैसे बात करें, बच्चे के जो पापा हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, डायपर बदलने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, बच्चे के सुसु पोटी से बिल्कुल भी कोई आप घिन ना करें, हिचकिचाएं ना। आपके हाथ गंदे होते हैं, कोई बात नहीं, आप धो लीजिए। बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज होता है, बहुत ही एक सॉफ्ट सा एहसास होता है, आप उसको गोद में लेते हैं, खिलाते हैं, बच्चा सुसु पोटी कर सकता है, कोई बात नहीं। आप भी सीखिए डायपर बदलना कैसे बदला जाता है, या लंगोट कैसे पहनाए जाते हैं, कैसे इसके अलावा आप क्या सहयोग कर सकते हैं बच्चे को नहलाने में। ठीक है, आप डायरेक्टली अगर नहीं बच्चे को नहलाते तो कम से कम प्रिपरेशन में आप मदद कर सकते हैं। आप पानी तैयार कर सकते हैं, टब तैयार कर सकते हैं, बच्चे के जो कपड़े हैं, क्लोथिंग्स हैं, वो तैयार कर सकते हैं, ताकि जब आप नहलाने के बाद बच्चे को क्या पहनेगा वो सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप कहीं ना कहीं उसमें एक्टिवली एक हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे की मसाज अगर आप सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स में मदर करती है मसाज, या घर की कोई लेडीज करती हैं, फादर भी कर सकते हैं। तो जेंटल आप मसाज करना भी सीखिए, आप देखिए कैसे बच्चे को मसाज की जाती है, बच्चे को गोद में लेना सीखिए बच्चे को। ठीक है, आप ऑब्जर्व करिए कि कैसे बाकी लोग बच्चे को गोद में लेते हैं, तो आप भी बच्चे को गोद में लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कुछ देर आप अकेले भी बच्चे के साथ बिताइए। शुरुआत में अगर आप आधे घंटा
या 1 घंटा जितना हो सके पॉसिबल आप बच्चे के साथ अकेले अगर कुछ समय बिताते हैं तो एक बॉन्डिंग डेवलप होती है फादर की और बेबी की, जिस तरह मदर की और बेबी की जो बॉन्डिंग होती है वही एक बेबी की फादर के साथ भी बॉन्डिंग डेवलप होती है अगर वो उसके साथ कुछ अकेले कुछ अलग समय बिताते हैं, वो चाहे किसी उम्र का बच्चा हो। और उस दौरान मदर को आप थोड़ा फ्री छोड़ देंगे तो वो अपने बाकी काम कर सकती है, अपने चाहे घर के काम हो, चाहे वो कैरियर ओरिएंटेड काम हो या बाकी फैमिली के कुछ वर्क हो, तो वो उसमें अपना टाइम दे सकती है। तो उस समय आप कोशिश करें कि आप बच्चे के लिए पूरी तरह से उसकी केयर करें, उस समय आपको सारी चीज़ें आपको पता हों, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे के कपड़े कहाँ रखे हैं घर पर, तो आपको भी पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे की जो माँ है उसी को पता हो कि बच्चे की डायपर वहाँ पर रखे हैं और बच्चे के नहाने का सामान वहाँ रखा है, बच्चे के बनियान वहाँ हैं और उसके बाकी कपड़े वहाँ हैं। तो ये सब चीज़ें एज ए फादर आपको भी पता होना चाहिए कि बच्चे की जरूरत की सारी चीज़ें कहाँ हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उनको डायरेक्टली वहां से लेकर के इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर आप एक्टिवली एक हेल्प करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे की देख रेख में, तो जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेगा और बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में बच्चा भी खुश रहेगा और फैमिली आपकी पूरी हैप्पी रहेगी। देखिए कई बार क्या होता है कि जो मदर्स होती हैं वो नए नए जब मदर बनती हैं तो कई बार नींद की भी कमी होती है, बच्चा रात में परेशान करता है, बच्चा रात में रोता भी है और बच्चा बार बार दूध भी पीता है, तो डेफिनेटली फिर मदर को जगना होता है। तो जो फादर है वो क्या करें, वो ऐसे समय में सपोर्ट करें, वो भी देखें अगर 1-2 दिन उनको जगना पड़ जाता है तो इसको एज ए बर्डन ना लें। ये देखिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, अभी आपके घर में नया बच्चा आया है तो आपको मिल करके जिम्मेदारी निभानी है, ठीक है। ये होल सोल जिम्मेदारी मदर की नहीं है कि वो रात को जगे दिन में भी उसका ध्यान रखे, तो आप भी कहीं ना कहीं इसमें एज ए फादर अगर मदर की ये हेल्प करेंगे तो आपकी आपसी प्यार मोहब्बत और बॉन्डिंग मदर के साथ और बेबी के साथ दोनों के साथ बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मदर के खाने पीने का, मदर की डाइट का, इस चीज़ों का थोड़ा सा आप केयर कर सकते हैं तो वहाँ भी एक पॉजिटिव इफेक्ट बच्चे के ऊपर ही पड़ेगा उसका भी, ठीक है। तो कई बार इरिटेटिंग भी हो जाती है कुछ लेडीज़ डिलीवरी के आसपास या डिलीवरी के बाद भी, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है कि फादर अपना जो है मेंटल स्टेटस एकदम कूल रखें, एकदम शांत रखें, ठीक है। अगर मदर कुछ इरिटेटिंग वे में कुछ बिहेव कर भी रही हैं तो फादर को ऐसे कंडीशन में चाहिए कि वो एकदम शांति के साथ उस चीज़ को डील करें। बच्चा परेशान कई बार करता है, बच्चा कई बार सोने भी नहीं देता मदर को, ऐसे में वो नींद की कमी की वजह से भी कई बार इरिटेटिंग हो जाते हैं, कई बार अपने बॉडी फिगर के हिसाब से या अपने वजन को लेकर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं लेडीज़ के। तो एक फादर की जिम्मेदारी यही है कि ऐसे समय में इमोशनल सपोर्ट भी करे और जो हाउस होल्ड वर्क हैं या बेबी केयर है उसमें भी कहीं ना कहीं अपना योगदान देते रहें, तो इससे बहुत ही अच्छी बेबी के साथ भी बॉन्डिंग आपकी बनती है और आप बहुत ही अच्छी एक फैमिली का आप निर्माण इस तरह से कर सकते हैं जो कि सबके लिए। पैटर्निटी लीव के बारे में आपने सुना होगा, जिस तरह मदर्स को मैटर्निटी लीव मिलती हैं जो वर्किंग लेडीज हैं, उसी तरह आजकल फादर को भी 15 दिन के एटलीस्ट पैटर्निटी लीव का रूल है। तो वो इसीलिए है कि पिता भी अपना पूरा योगदान दे सके बच्चे की देखरेख में शुरुआती दिनों में, जब मदर को भी केयर की जरूरत होती है। तो अगर ऐसे समय में आप एक केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं, एक सपोर्टिव और हेल्पिंग पर्सन बन करके घर में रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा आप इसका इफेक्ट पड़ता है और लॉन्ग टर्म्स ये आपके रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं इससे। और बेबी की केयर में आपका जो योगदान है वो आपको खुद ही एक बहुत ही अच्छा फीलिंग देगा, आप खुद भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं ऐसा सब करने के बाद। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सब कुछ आपके साथ हमेशा होता रहेगा। और कई बार जो बेबीज़ के रिकॉर्ड हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की फाइल्स हों, वैक्सीनेशन कार्ड हों या और बाकी बेबी से रिलेटेड आर्टिकल हों, तो वो भी आप ध्यान रखिए कि कहाँ पर रखें ताकि ज़रूरत के वक्त आप पड़ने पर आप उनको तुरंत वहाँ से ले सकें। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें जो आपके सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बात इसमें कुछ ऐड आप भी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज़रूरत पड़ी तो उसका मैं सेकेंड पार्ट भी बनाऊँगा। धन्यवाद।